हमारे कहीं सन 25, 28, 30, 32, 35 साल के जो 1 लाख डॉलर्स, 2 लाख डॉलर्स की तनख्वाह छोड़ के आए हैं, फिर वो यहां के 2-5 हजार में हाथ डालेगा? वो अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ के इधर आया है? प्रमुख स्वामी वॉज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ वॉलंटियर फोर्स ऑफ 55,000. इतना हार्ड वर्क किया. जब उनकी उम्र थी 70, 75, 78, 80, वी हैव सीन प्रमुख स्वामी एट 11 PM एट नाइट, एट 12 midnight, गोइंग इन टू द डीप आदिवासी बैकवर्ड बेल्स फ्रॉम हट टू हट एंड विलेज टू विलेज टू गिव देम मॉरल अपलिफ्टमेंट इन लाइफ. व्यसन मुक्ति के लिए और नैतिकता के लिए वे पुरुषार्थ अपने जीवन में उन्होंने किया. वॉट अ हार्ड वर्क, अनबिलीवेबल हार्ड वर्क. उनके जीवन में से वर्क के अनुसंधान में थोड़े एटीट्यूड्स सीखने लायक है. हम लोग क्या मानते, बस पुरुषार्थ करें, कर्म करें, कर्म के सिद्धांत को हम मानते हैं, कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ. लेकिन करते करते, वर्क करते करते किस प्रकार के एटीट्यूड्स रखने हैं ताकि बहुत अच्छा परिणाम मिले. तो प्रमुख स्वामी के जीवन में वर्क रिलेटेड एटीट्यूड में सक्सेस के लिए पहला एटीट्यूड था, वे कहा करते थे, उनके ही शब्द में आपको कहूं, वे बोलते थे कि अगर हमको ये विचार आया कि ये काम मैं 2 सेकंड के बाद करूंगा तो वो लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन है. और हमको, हम तो काम में किस प्रकार के एटीट्यूड से चलते हैं, आज करना है वो कल, और कल करना है वो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों. कल का आज नहीं, आज का अभी. दैट इज द फर्स्ट एटीट्यूड इन वर्क. ओनली देन यू विल बी एबल टू डू ग्रेट वर्क्स. मैंने 400 से 500 से ज्यादा ऑटोबायोग्राफीज ऑफ बायोग्राफीज पढ़ी है. From Sardar Patel to Abraham Lincoln to Winston Churchill to Nelson Mandela to Sachin Tendulkar to Cristiano Ronaldo, everybody. उनके जीवन में से ये बड़ा एटीट्यूड में आपको कार्य संबंधी बात कर रहा हूं कि ये लोग ये मानते थे कि कल जो करना है वो आज होना चाहिए और आज जो करना है वो अभी होना चाहिए. तो वहां लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस की बात ही कहां आई, आती ही नहीं है. सिंपल. दूसरी बात, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज को हमने ये देखा है, कोयम्बतूर के रेलवे स्टेशन पे रात को 12 बजे ट्रेन 15-20 मिनट लेट थी. प्रमुख स्वामी महाराज का पत्र निकालो, हम पत्र लिख लेते हैं, 2-3 पत्र के उत्तर वहां लिख लिए रेलवे स्टेशन पे 70s में. मुंबई में डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, वहां गए, अपॉइंटमेंट ठीक तरह से तैयार की गई थी ताकि उनको बैठना ना पड़े वेटिंग में. फिर भी अगले वाला जो पेशेंट था उसमें कुछ ज्यादा टाइम देना पड़ा डेंटिस्ट को, तो प्रमुख स्वामी तो वहां पहुंच गए जो समय था. डेंटिस्ट ने कहा, स्वामी जी 2 मिनट. स्वामी ने बोला, बी कंफर्टेबल, ट्रीट दैट पेशेंट प्रॉपरली, आई एम सिटिंग. कि स्वामी जी सिर्फ 2 मिनट. डेंटिस्ट अंदर गए, प्रमुख स्वामी ने अटेंडेंट सेक्रेटरी को बताया कि पत्र निकालो, पढ़ लेते हैं. तो स्वामी अभी 2 मिनट में अंदर ही जाना है. स्वामी के 2 मिनट में पढ़ लेंगे, पर एक्चुअली 1.5 मिनट में अंदर जाना ही हुआ. 1.5 मिनट में उन्होंने 2 पत्र पढ़ लिए और खड़े होते होते दोनों पत्र के उत्तर अपने सेक्रेटरी को बता दिए कि ये लिख देना, मैं साइन कर दूंगा. 2 पत्र पूरे कर दिए डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट में, वेटिंग में. और अगर हम उस वक्त बैठे होते तो इतना ही होता है, वेटिंग में बैठे हैं तो दिस इज द पोस्चर. कौन आता है, कौन जाता है, कौन खड़ा है, किसने क्या कपड़े पहने, यही चलता है वेटिंग में. सच ग्रेट पर्सनैलिटीज, दे यूज the milliseconds of time and we don't use hours and days of time. So for attitude towards work, use of time. ye kaam main 2 second ke baad karu ye vichar aaye to bhi wo laziness hai, procrastination hai. ye pehla attitude. dusra attitude pramukh swami maharaj ke jeevan mein se aur itne bade mahan hastiyon ke jeevan mein se, कि दिन में करीबन कम से कम 2-5 क्रिया प्रक्रिया तो होनी चाहिए जो उसी वक्त उसी समय 50 साल तक चलनी चाहिए.
वी अंडरस्टैंड, पूरा दिन तो हम अपने हिसाब के मुताबिक नहीं चला सकते, लेकिन दो तीन क्रिया आप तैयार कर लो, वो दिन दो तीन क्रिया उसी समय हर दिन होनी चाहिए. तो बिकॉज ऑफ दैट टू थ्री स्मॉल एक्ट्स और वर्क दैट यू डू रेगुलरली एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर इयर्स, दैट विल डिसाइड द शेड्यूल ऑफ योर डे, कीप यू ऑन टाइम फॉर एवरी अदर शेड्यूल ऑफ द डे. इसमें इतनी ताकत है.